नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिम्पी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली मशरूम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम, कटे हुए शिमला मिर्च, कटे हुए प्याज, कॉर्नफ्लोर, मैदा, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस और नमक। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर और मैदा को एक बाउल में ले लेते हैं और लगभग 2 चुटकी नमक डाल लेते हैं इसमें और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। हमें इसे एक गाढ़ा घोल के रूप में बनाना है। घोल बन गया है। अभी हम इसमें मशरूम डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे गरम तेल में छानेंगे। इसे एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसे ब्राउन होने तक हमें तलना है। मशरूम ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करते हैं, उसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को थोड़ा सा भूनते हैं। इसे बहुत हल्का सा भूनना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, शिमला मिर्च, और इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस थोड़ा सा क्रंची करना है। ज़रा सा हम नमक भी डाल देते हैं इसमें। इस तरह से हम इसे एक एक तरफ करके बीच में हम डालेंगे टोमेटो केचप या सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, इसे मिक्स कर लेते हैं। बचे हुए कॉर्नफ्लोर के घोल को हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें मशरूम डालते हैं। आपको ग्रेवी गाढ़ी या पतली रखनी है या आपके ऊपर है। आपको पतली रखनी हो तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, और गाढ़ी रखनी हो तो बिल्कुल ऐसे ही करें। हमारा चिली मशरूम रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।